नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, जैसा कि परसों मैंने एक वीडियो के थ्रू आप लोग को अपडेट किया था कि BTC 2015 बैच में सेमेस्टर बैक से जूझ रहे याचियों ने एक माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसकी अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2018 को होनी थी, लेकिन दोस्तों कोर्ट में केस की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका नंबर नहीं आ पाया और आज दिनांक 24 अक्टूबर 2018 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो चुकी है। दोस्तों, क्या कुछ रहा पूरा अपडेट देखेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये स्टेटस है केस का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रीट नंबर जो है वो 32524/200/2018 है और पिटिशनर नेम है विकास एंड 31 अदर्स। और इसकी जो सुनवाई होने वाली थी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 23/10/2018 को होनी थी, लेकिन केस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से इसकी सुनवाई आज दिनांक 24 अक्टूबर 2018 को हुई है। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं बहुत ही कम समय में पूरे केस को एक बार समझा देता हूँ। 15 सितंबर 2018 को BTC 2015 बैच के थर्ड सेमेस्टर की रिजल्ट की घोषणा की गई थी और उसमें लगभग 13,000 अभ्यर्थी किसी न किसी एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या फिर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक आ गई थी उनकी। और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में जब बैक होता है तो उसे सेमेस्टर बैक बोलते हैं और इन्हीं सेमेस्टर बैक से जूझ रहे लगभग 32 अभ्यर्थियों ने माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 सितंबर 2018 को एक पिटीशन फाइल करते हुए अपनी कापियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। दोस्तों, इसकी एक सुनवाई 5 अक्टूबर 2018 को हो चुकी है जिसमें माननीय जज ने यह टिप्पणी किया था कि यदि जो भी आरोप कैंडिडेट्स द्वारा PNP पर लगाए जा रहे हैं कि कापियों के चेकिंग में अनियमितताएं हुई हैं, अगर वो सत्य पाई जाती हैं तो इन सभी याचियों की और उन 13,000 अभ्यर्थियों की BTC 2015 बैच के फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा PNP को अलग से करवानी होगी। और इसके अलावा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने यह भी टिप्पणी की थी कि दो सदस्यों की एक टीम गठित की जाए और उसमें तीसरे सदस्य PNP के सचिव भी रहेंगे और जो भी इन याचियों की कापियों की फिर से रीचेकिंग करवाइए और या फिर पुनर्मूल्यांकन करवाइए और जो भी स्टेटस रिपोर्ट होता है वह माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट करिए। दोस्तों, उसी की स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए दिनांक 23 अक्टूबर 2018 को सुनवाई होनी थी जो कि आज हुई है। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो के थ्रू आप लोग को अपडेट किया था कि एक पेपर में आर्टिकल आई थी जिसमें यह लिखा था कि स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और 13,000 अभ्यर्थी फेल ही पाए गए हैं। और उस वीडियो में मैंने यह बताया था कि PNP का अब अगला कदम क्या हो सकता है। दोस्तों, उसके ठीक अनुरूप आज दिनांक 24 अक्टूबर को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में PNP के सचिव ने यह स्टेटस रिपोर्ट डाली है या फिर ये कह लें कि अपना आंसर काउंटर फाइल किया है कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें याची हैं उनके कापियों की जाँच बिल्कुल सही है और उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है या फिर कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। दोस्तों, यहाँ पर करियर बिट की यह फैमिली उन सभी याचियों के जज्बे को सलाम करती है कि 15 सितंबर को रिजल्ट घोषित होने के बाद से लगभग 1.5 महीने का समय बीत चुका है और इस समय के बीच में इतनी मानसिक प्रताड़ना झेलने के बावजूद अभी भी मजबूती से खड़े हैं और PNP के अनियमितताओं के विरोध अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद से ये तो बहुत बुरी न्यूज आई आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन याचियों के लिए कि उनकी कापियों की जो जांच है वह PNP कह रहा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बीच एक बहुत ही अच्छी और आशा वाली खबर यह आई कि कैंडिडेट्स ने इसके लिए पहले से एक एफिडेविट काउंटर फाइल कर दिया था कि माननीय जज से यह अनुरोध किया था कि सभी याचियों के कापियों की छाया प्रति PNP द्वारा उनको प्राप्त कराई जाए। दोस्तों, माननीय जज ने उनके एफिडेविट को एक्सेप्ट कर लिया है और याचियों की जो भी संख्या है 32 और माननीय जज में इसमें बाद में भी बोला था कि अगर जो भी याची बनना चाहता है तो वो बन सकता है, तो जितने भी इसमें याची होंगे उनको PNP
14 दिन के अंदर उनके कापियों की छाया प्रति अवेलेबल कराएगा, ऐसा आदेश दिया है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने। दोस्तों RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट, माफ़ कीजिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत PNP को यह निर्देशित किया गया है कि जब भी कैंडिडेट्स अपना आवेदन देंगे उसके 14 दिन के भीतर सभी याचियों को PNP के द्वारा उनके कापियों की छाया प्रति दी जाए। दोस्तों यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस केस के लिए, क्योंकि जब कापियां उनके हाथ में होंगी तो वह अपनी बातों को और भी मजबूती से माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में रख पाएंगे। तो दोस्तों आज पूरे कोर्ट में यही रहा, और एक बुरी खबर यह रही कि PNP ने यह आंसर काउंटर फाइल किया कि जो भी उनके कापियों का पुनर्मूल्यांकन था उसमें यह पाया गया कि जो भी कापियों की जाँच हुई थी वह सही थी। और एक प्लस पॉइंट ये रहा कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने उनके कापियों की छाया प्रति सभी याचियों को देने के लिए PNP को निर्देशित कर दिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह अपडेट पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए करियर बेट के इस चैनल के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।